स्टूडेंट स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट होता क्या है, क्या जानते हैं। तो बैलेंस डाइट जो है स्टूडेंट, बैलेंस डाइट मतलब पहले ही हम जानते हैं कि डाइट होता क्या है, व्हाट इज द डाइट। तो वो फूड जो हम दिन के समय ईट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइट्स। अब फूड जो है उसमें कई सारे आइटम्स हो सकते हैं, जैसे फूड जो है वो सीरियल से बन सकता है, अब सीरियल में चाहे वो व्हीट से बना हो चाहे वो राइस से बना हो। फूड जो है उसमें पल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, मीट, फिश, एग, मिल्क, ये सब हो सकते हैं। और ये जो फूड है ये एक तरह से, या ये जो डाइट्स हैं ये एक तरह से हमारे बॉडी को क्या पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं। हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का वर्क कौन करता है, तो ये डाइट्स ही करते हैं। एक डाइट्स में एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट पाया जाता है। जो न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है, तो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकता है। और ये सभी जो न्यूट्रिएंट है सफिशियंट अमाउंट में चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो जो ऑल द न्यूट्रिएंट मटेरियल व्हेन प्रेजेंट सफिशियंट अमाउंट इन एनी फूड मटेरियल देन सच टाइप ऑफ फूड मटेरियल इज नोन एज डाइट। और डाइट ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, क्योंकि उसमें सभी न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है प्रेजेंट है सफिशियंट अमाउंट में, जो बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है स्टूडेंट। अब बैलेंस डाइट में सभी चीज सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इसमें सफिशियंट अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है और रगेज फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट जो है ये सभी जो फूड हैं उनमें अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कुछ जो फूड होते हैं स्टूडेंट, वो उनमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कुछ जो फूड होते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में फूड पाया जाता है, जबकि कुछ जो फूड होते हैं उनमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स पाया जाता है। ऐसा कोई भी फूड नहीं है, कोई भी ऐसा सिंगल फूड नहीं है जिसमें सभी के सभी जो न्यूट्रिएंट अमाउंट है, न्यूट्रिएंट मटेरियल है, वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो। इसलिए अगर हम बैलेंस डाइट लेना चाहते हैं तो हम अपने फूड में, यानी अपने हम डाइट्स में डिफरेंट टाइप के फूड आइटम को क्या करेंगे, इंक्लूड्स करेंगे। हम अपने डेली मील्स में डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल को क्या करेंगे, इंक्लूड्स करेंगे, जिसमें जो हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मटेरियल को क्या करे, प्रोवाइड कर सके। इसके साथ साथ हमें सफिशियंट अमाउंट में वाटर को भी ड्रिंक करना चाहिए और फाइबर कंटेनिंग फूड्स को भी हमें क्या करना चाहिए, ईट करना चाहिए। अगर एक बैलेंस डाइट है स्टूडेंट तो उसमें सफिशियंट अमाउंट में कुछ फूड आइटम रहना चाहिए और वो फूड आइटम डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट कंटेंट किए होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम सीरियल ले रहे हैं, जैसे व्हीट ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, पोटैटो ले रहे हैं, तो इन सब फूड आइटम में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर स्टूडेंट हम बटर ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है। अगर पल्स ले रहे हैं, दाल, पी, मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन, एग, इनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं।
अगर वेजिटेबल और फ्रूट ले रहे हैं तो ये हमें विटामिन और मिनरल और रगत प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ हमें वाटर ड्रिंक करना पड़ेगा। तो ये सब हमें टाइम टू टाइम टेक करना पड़ेगा, तब हमें बैलेंस डाइट हम सबको मिल पाएगा। स्टूडेंट, बैलेंस डाइट का जो अमाउंट है, अलग अलग एज को अलग अलग अमाउंट में बैलेंस डाइट नेसेसरी है। जैसे कि अगर कोई चाइल्ड से ग्रोइंग एज मैंस है, उसको बैलेंस डाइट चाहिए, क्योंकि उसको उसको ग्रो करने कर रहा है, तो उसकी बॉडी को सेल डिवीजन करना है, तो ज़्यादा एनर्जी की खर्च होती है, तो उसको बैलेंस डाइट प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। साथ ही साथ जो ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं, उनको प्रोटीन रिच फूड चाहिए, क्योंकि जब उनका बॉडी ग्रोथ हो रहा है तो प्रोटीन से ही मसल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उनके प्रोटीन रिच फूड मटेरियल चाहिए जो उनको हेल्प करता है ग्रो करने में। फास्ट ग्रोइंग जो चाइल्ड है, उनको प्रोटीन रिच फूड चाहिए। इसलिए जो ग्रोइंग एज के चाइल्ड से, उनको ऐसा डाइट देना चाहिए जिसमें सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन वगैरह क्या हो, प्रेजेंट हो। इसके साथ साथ उसमें कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये भी सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट हो, ऐसा फूड मटेरियल को देना चाहिए। क्योंकि ऐसा फूड मटेरियल देंगे जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट हो, तो ऐसे फूड मटेरियल से क्या बनता है स्टूडेंट, उनकी बोन्स की फॉर्मेशन अच्छी तरह से होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जो डाइट से बैलेंस डाइट है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का वर्क कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है ऑक्यूपेशन पे भी कि आप किस प्रकार का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक जॉब प्रोफेशन में अगर कोई पर्सन है, तो उसको अलग टाइप का बैलेंस डाइट पर देना पड़ेगा। मान लीजिए स्टूडेंट, अगर कोई हैवी वर्क करने वाला मजदूर है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको ज़्यादा अमाउंट में बैलेंस डाइट देना चाहिए। जबकि एक नॉर्मल है वर्क करने वाला वर्कर है, तो उसको कम भी अमाउंट में अगर हम देंगे एनर्जी रिच फूड, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हाईली वर्क करने वाला है, उसको हाई अमाउंट में बैलेंस डाइट देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन अधिक हो, फैट अधिक ना हो। फैट तो एक मिनिमम अमाउंट में हो, जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है, नहीं तो फैट अगर ज़्यादा देते हैं तो उससे डिजीज होने लगता है, और डिजीज मोटापा बढ़ने लगता है। फैट को एक लिमिट अमाउंट में खाना चाहिए, मतलब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को भी एक लिमिट अमाउंट में खाना चाहिए, यानी प्रोटीन्स रिच फूड हो हैवी वर्क करने वाले वर्कर को। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट देखा बैलेंस डाइट के बारे में, और किस एज को कैसा बैलेंस डाइट चाहिए, कैसे किसी हैवी वर्क को काम करने वालों को कैसा डाइट चाहिए, कम वर्क को करने वाले को कैसा डाइट चाहिए। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट, और वीडियो को अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।